यार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक नया APN बताने वाला हूं, तो वीडियो को देखते रहेगा एंड तक। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में सेटिंग का ऑप्शन ढूंढ लेना है। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद आपको एक डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क यानी कि आपको सिम कार्ड मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा, बस उसी पर क्लिक करना है। सबके फ़ोन में अलग होता है तो आप अपना देख लीजिएगा, वो सेकेंड नंबर पर ही वो ऑप्शन होता है तो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद सिम वन और टू दिया होता है, अगर आपने जियो सिम को सिम वन में लगा रखे हो तो क्लिक कर लो, या फिर टू में लगा रखे हो तो क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सिम वन में लगाया है तो हम यहाँ पर क्लिक किया। उसके बाद एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है सबसे नीचे, तो उसको आपको देख लेना और वहाँ पर क्लिक करना है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है APN। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आकर रेजर मार लेना है जिससे कि आपका डेटा जो यहाँ का क्लियर हो जाएगा और इंटरनेट स्पीड बढ़ने में और भी ज़्यादा हेल्प होगा। बाद एक ऊपर में ऑप्शन मिल जाता है प्लस का, या फिर आपको नीचे भी ऑप्शन दिख सकता है, तो आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है प्लस वाले में। और ये करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है नेम। नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, नेम में यहाँ पर लिखना है जियो और एक स्पेस फास्ट जो कि जे और एफ कैपिटल होगा, और उसके बाद लिखना है एक स्पेस देखिए इंटरनेट, उसके बाद इसको कर देना है सेव। इसको कर दीजिए सेव। तो उसके बाद आ जाता है APN। APN में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जियो, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को लिखना है www.jionet.com जो कि सारा स्मॉल लेटर में ही होगा। इस जितना भी मैं बता रहा हूँ सारे को ध्यान से देखिए। उसके बाद आता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है यूज़र नेम। यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, यहाँ पर आप लोगों को इसमें लिखना है जियो जो कि जे कैपिटल होने वाला है, और नेट जियो इसका लिखना है नेट जियो नेट। उसके बाद देना है 4G, सॉरी जियो नेट के बाद परसेंटेज, उसके बाद 4G, जियो नेट परसेंटेज 4G। उसके बाद इसको भी कर देना है सेव। इसको सेव कर दीजिए जियो नेट परसेंटेज 4G लिखकर। उसके बाद आ जाता है पासकोड, पासकोड को नोट सेट रहने दें। उसके बाद आ जाता है सर्वर, सर्वर में यहाँ पर लिखना है www.google.com। अब इसके बाद इसे भी सेव कर दी। उसके बाद आ जाता है MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, इन तीनों को आपको नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आ जाता है MCC और MNC, ये आपका एरिया कोड है, इसे आप टच ना करें, इससे आपका इंटरनेट और भी स्लो हो जाएगा। सो उसके बाद आ जाता है ऑथेंटिकेशन टाइप। ऑथेंटिकेशन में सबसे नीचे वाला पैप और चेप कर देना है। उसके बाद आ जाता है APN टाइप, इसको नॉट सेट ही रहने दें। उसके बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल, ये आपके फ़ोन में हो सकता है IPv4 या फिर IPv6 होता हो सकता है, तो आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसमें भी आपको उसी प्रकार IPv4/IPv6 कर देना है। उसके बाद आ जाता है बेयरर जो कि इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है APN का, तो इसमें आप लोगों को टच करना है और इसमें अनस्पेसिफाइड होता है, टिक किया हो रहा तो उसको अनटिक करके LTE HSPAP HSPA PHS UPA HS DPA UMTS EDGE GPRS और IS N5B ISN 5A, ये सब ठीक से देख लीजिए, वरना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ एक वीडियो में जाकर कमेंट भी कर दीजिए APN सही ढंग से काम किया है या नहीं। उसके बाद अगर इतने सारे सपोर्ट नहीं करते सिर्फ LTE पर टिक करके छोड़ दीजिए। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे रेड बटन होता है, ठीक है। इतना करने के बाद ऊपर में सेव का ऑप्शन होगा, सेव कर दीजिए, या फिर आपका नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है। सो उसके बाद एक बार जियो फास्ट इंटरनेट में टच कर दीजिए, आपका इंटरनेट जो है बेहतर हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल हो रहा होगा। सो मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।